शिवपुरी शहर के देहात थाना क्षेत्र के झांसी तिराहे के पास तुलसी नगर कॉलोनी में आज दोपहर एक 32 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची देहात थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। विक्रम रावत ने बताया कि मेरी पत्नी वंदना रावत ने मुझे सुबह उठते ही पहले सब्जी लाने के लिए बाजार में भेज दिया था। बाजार से सब्जी लाकर कुछ देर ही मैं घर पर रुका था। इसके बाद मेरी पत्नी ने कहा कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, इसलिए मैं उनकी बाजार में जाकर कटिंग करा कर लाऊं। वंदना की बात सुनकर मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर बाजार में उनकी कटिंग कराने के लिए चला गया था। वापस आकर देखा, मेरे कमरे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। कमरे की खिड़की में से झांक कर देखा तो मेरी पत्नी फांसी के फंदे पर लटकी हुई। मैं तत्काल अपने बच्चों के साथ देहात थाने पर पहुंचा था, जहां से पुलिस को अपने साथ लाया, तब जाकर घर के दरवाजे को खोला गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह रावत। अच्छा, ये फांसी लगाई है तो क्या कुछ पूरा मामला था? मामला कुछ नहीं था, सुबह हम जब सूख उठे तो 9 बजे का टाइम था, मुझसे बोली थी आप चले जाओ, आज संडे है, फिर वो रोजाना का तुम्हारा वही काम, तुम खाना पीना खा नहीं पाते, संडे को तुम सब्जी लेके मुझे दे जाओ तो मैं सब्जी बना लूँगी, आके फिर तुम जाना बच्चों की कटिंग वटिंग करा लाना। तो मैं गया सब्जी लेके आया जहाँ तरह से, मैंने फिर सब्जी ला के दे दी तो बोले तुम बच्चों को ले जाओ कटिंग करा लाओ, आज संडे फिर कल सोमवार ड्यूटी चले जाओगे क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं। तो जैसे ही बच्चों को लेकर गया नील का छोरा, मैं कटिंग कराने लेकर मैं गया, मैं भी कटिंग करा के आया, बच्चे भी साथ में कटिंग करा गए। और जैसे ही आए तो हम घर पर आए, आके देखा तो आवाज़ दी इसने मम्मी मम्मी, है नहीं बोला नाम लेके वंदना, तो कोई नहीं बोला, तो फिर हम जहाँ बैठ गए, मैंने कि सिलाई का काम करती है तो हो सकता है कुछ सामान लेने चली गई हो। फिर बेटी को प्यास न्यास लगी तो बोले पापा पानी पीना, तो मैंने इधर देखा किचन में डंखा नहीं देखा, तो मैंने गेट की तरफ वैसे देखा तो कुंदी लगी बाहर से कुंदी गेट की खुली हुई थी, अंदर से कुंदी लगी, तो मुझे घबराहट हुई कि जब अंदर कोई है कुंदी लगी है तो वो है नहीं है। तो मैंने खिड़की से झांक के देखा कूलर वाली से, पर्दा हटा के, तो उसमें वो लटकी हुई मिली मुझे। तुरंत मैंने 100 नंबर डायल की तो वहाँ पे 100 नंबर लगी नहीं। फिर मैं बच्चों को साथ में लेकर देहात थाने गया, वहाँ मैंने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस के साथ में मैं लौटा घर पे, जब वो कार्रवाई जारी कर रहा था। कोई आपसी झगड़ा वगैरह नहीं, हमारे से कोई झगड़ा नहीं है, 12 साल से पति पत्नी साथ में रहते हैं। तो ऐसा क्या कारण था तो उनने फांसी दी? ये कारण सर पता नहीं है क्या है, हंसी खुशी से रहते थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।